जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कौन सा मोबाइल फ़ोन बाय किया है अपने लिए और उसका मॉडल, प्राइस वगैरह सब कुछ बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी जिम की रूटीन वगैरह क्या होती है, और जिम के बाद हमारा जो तीसरा काम होता है सबसे मेन, वो क्या होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो कम्प्लीटली देखनी है। कुछ दिनों से मैं मोबाइल फ़ोन की सर्च में था कि कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो उसको हम बाय कर लें। लेकिन एज़ यू नो, जब मोबाइल फ़ोन बाय करना होता है तो हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा चॉइस होती है, कोई एक चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इसके ऊपर। हमें वीवो का एक मोबाइल फ़ोन चाहिए था, वीवो कंपनी का। तो एक लेटेस्ट मॉडल आया था वीवो में, हमने उसको गूगल के ऊपर सर्च किया, देखा उसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी थी, तो हमने टाइम वेस्ट किए बगैर सोचा कि इसको बाय कर लिया। हमने बाइक निकाली और हम चले गए कचहरी बाज़ार की तरफ। कचहरी बाज़ार हमारे ऑफिस से काफ़ी पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम यहाँ पे कचहरी बाज़ार पहुँच गए। बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश था एज़ यूजुअल, इस बाज़ार में वाकई बहुत ज़्यादा रश होता है जब मर्ज़ी हम चले जाएं। तो यहाँ पे हमने जो अपनी बाइक थी उसको स्टैंड पे लगा दिया और हमने मोबाइल फ़ोन जो था पसंद किया होता उसको सर्च करने लग गए कि हमें कहाँ से अच्छी प्राइस मिलेगी और कहाँ से जो है अच्छा मोबाइल फ़ोन हम बाय कर सकेंगे। बाहर काउंटर से हमने काफ़ी ज़्यादा पता किया, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन इनके पास नहीं पड़ा हुआ था। फिर हमने सोचा कि कोई शॉप पे जाते हैं। यहाँ से हमें एक शॉप का भाई ने बताया कि उससे आप पता कर ले, वहाँ से मिल जाएगा। हम शॉप के अंदर गए और हमने उनको जाके बताया कि हमें ये वाला मॉडल चाहिए। जो मॉडल हमें चाहिए था वो था वीवो का Y100। ये वाला मोबाइल फ़ोन था, ये लेटेस्ट था और अच्छा मोबाइल फ़ोन था। इसकी प्राइस वगैरह हम आपको आगे चल के बताते हैं। इन भाई से हमने जब प्राइस पूछी तो ये हमें भाई प्राइस ज़्यादा बता रहे थे, तो इनसे हमारी थोड़ी सी बहस हुई। उसके बाद इन्होंने प्राइस कम कर दी, लेकिन वो उस आइडियल प्राइस पे नहीं जा रहे थे जहाँ का हमने सुना हुआ था। खैर, हम वापस नीचे आ गए और हमने सोचा कि किसी और शॉप पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक और शॉप मिली जो कि हमारे एक दोस्त की थी, और वहाँ पे हमने ये वाला मोबाइल फ़ोन जो है बाय कर लिया। यहाँ से हमें ये वाला मोबाइल फ़ोन इतने में मिला था, मैंने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को बता दिया है। खैर, इसकी जो अनबॉक्सिंग थी वो बिल्कुल सिंपल थी। डिब्बा जब ओपन किया, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल फ़ोन मिल गया था। नीचे कुछ डिब्बे में सामान वगैरह, एक अडॉप्टर मिल गया था, कुछ पेपर गाइड, एक अदद हमें पाउच मिल गया था और इसकी वारंटी कार्ड मिल गया था। मोबाइल फ़ोन को जब हमने पकड़ा तो इसकी जो हैंड फील थी वो इतनी के कोई कमाल की थी। इसका डिज़ाइन जो था ना, उसके सारे पैसे इसके डिज़ाइन के थे, बहुत कमाल का डिज़ाइन बना हुआ था। तो यहाँ से हमने मोबाइल फ़ोन को बाय कर लिया और सोच और इसके बैक पे पेपर भी लगवा लिया और इसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का टेम्पर ग्लास भी लगा लिया। उसके बाद हम शॉप से बाहर आ गए और हम दोबारा घंटाघर वाली साइड से होते हुए वापस चले गए अपने जिम की तरफ। जिम की रूटीन जो है हमारी, वो डेली रात को होती है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम जिम चले जाते हैं। जिम में आज काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा कि चलो हम आप लोगों को जिम भी दिखाते हैं कि हम कौन सी जिम जाते हैं। जिम में जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे जिम जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी जिम है, लेकिन यहाँ पे आपको जिम का जो तमाम इक्विपमेंट होता है, सामान है, वो पूरा मिल जाएगा। एक अच्छी जिम में तमाम सामान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया। आज हमारा जो था वो चेस्ट का डे था कि हमने चेस्ट की गेम करनी है, तो यहाँ हमने तकरीबन 40-45 मिनट की अच्छी वाली गेम की। सारी की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने पेट पूजा के लिए चिकन ब्रोस पे, जो कि इकबाल स्टेडियम वाली साइड पे मौजूद है। यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि इनके पास जो स्टाफ था वो थोड़ा सा कम था। खैर, हमारा जो ऑर्डर था वो काफ़ी टाइम बाद हमारे पास आ गया और हमने अपना ऑर्डर जो है उसको इंजॉय किया। ये थी छोटी सी वीडियो, छोटा सा वीलॉग। ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।